इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सम वेल नोन प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर स्मॉल मेजरमेंट एज वेल एज बिग मेजरमेंट डिस्कस किया था। तो बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई द नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट करते समय यूनिट की आवश्यकता क्यों है, यूनिट क्यों जरूरी है लिखना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ जरूर लिखना है। बिना यूनिट के मैग्नीट्यूड आप लिखते हो तो उसमें क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सकती है फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अगर मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको यूनिट चाहिए। और जो है आप ये देखेंगे पहला काम यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस सेलेक्टेड यूनिट से आप कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, अननोन क्वांटिटी को, किसके साथ, फिक्स क्वांटिटी के साथ। फिक्स क्वांटिटी क्या है, जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया है, ठीक है। एक यहाँ पे हमने जो लिया है मैग्नीट्यूड लिया है फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट होगी। अब देखिए अगर ये एक्स अगर कॉन्स्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, एन वन E1, N2, U2, ये प्रोडक्ट क्या इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू जो है और ये जो यूनिट है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर स्मॉलर यूनिट होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, अगर बिगर यूनिट होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेस होगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1.66 × 10⁻²⁷ kg। जब इसे आप इस क्वांटिटी को अगर आप ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करोगे, 1 kg = 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻²⁴ आ जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। इन जस्ट सिमिलर मैनर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पारसेक। अब वहां से भी अगर ये आप देख सकते हैं, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, लाइट ईयर के बारे में, पारसेक के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। और मेरे प्यारे बच्चों, रीजन बेस्ड अप्रोच को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। और एक बात और, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, बहुत जरूरी है। अब देखिए उसी तरीके से वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻¹ m। अब देखिए 11 की जगह पे क्या लिखा हूं मैं, 10⁸ लिखा हूं, तो यूनिट बदल गया, किलोमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर मीन्स क्या, 10⁻³। अब देखो 1 light year 9.46 × 10⁻¹⁵, and this can be also written as, मेरे बच्चों, 9.46 × 10⁻¹⁰ km। अब देखो 1 parsec 3.068 × 10⁻¹⁶ m, and this can be also written as 3.08 × 10⁻¹⁰ km। अब देखो ये context से related नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, लाइट ईयर में, पार्सेक में कौन बड़ा है, या इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। तो देखो क्लियर है, यहाँ पे देखो सिमिलरिटी है यूनिट में, आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, 10³ है, 12 है, 8 है, इट मींस दैट 1 parsec इज ग्रेटर देन 1 light year, 1 light year इज ग्रेटर देन 1 astronomical unit। तो मतलब क्या हुआ, इन तीनों में सबसे बड़ा 1 parsec है, सबसे छोटा कौन है, 1 astronomical unit है। ये कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इसको एडिशनल बता रहा हूं आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। अब देखिए 1 kWh 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग पढ़े थे इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में,
ये सम प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर स्मॉल मेजरमेंट एज वेल एज बिग मेजरमेंट। 10 टू द पावर 6 के लिए मेगा इस्तेमाल कर लिया, यहां 10 टू द पावर 3 के लिए किलो इस्तेमाल कर लिया। तो अब देखो, देख रहे हो ना, यूनिट बदल गया, मेगा यहां पे जूल है, तो देखो ये देखा है यहां पे 3.6 है, यहां पे 3.6 किलो जूल है, यहां पे 3.6 इनटू 10 टू द पावर 3 जूल है। उस तरीके से यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बच्चे, कैपिटल जी, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6-67 इनटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एसआई सिस्टम में। सीजीएस में क्या हो जाएगा, 6.7 इनटू 10 टू द पावर 8 डाइंग स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर इन सीजीएस। तो देखिए अगर ये यूनिट बदल गया तो न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो गया। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर का नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। अब देखो बच्चों इस वीडियो लेक्चर का मेन मोटो क्या है, मेन मोटो ये है बच्चों कि जब कभी भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट अवश्य लिखना, क्योंकि अगर यूनिट अगर चेंज हो जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, इज इट एसेंशियल और कंपल्सरी टू राइट द यूनिट अलोंग विद न्यूमेरिक वैल्यू व्हाइल एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपका आंसर होगा यस, व्हाइल एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इट इज कंपल्सरी टू राइट द यूनिट along with numeric value। उसका रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन द चेंज इन द यूनिट विल मेक चेंज इन द numeric value also। ओके, सेकेंड टू अवॉइड कंफ्यूजन अबाउट द यूनिट सेलेक्टेड बाय अस। ठीक है, अब कौन सा यूनिट आप सेलेक्ट किए हो ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। आप देखो कुछ मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, मैं पहले एक साइंटिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 केजी है, इसमें फोर्स आप एफ लगा रहे हो, पहले इस ऑब्जेक्ट का स्पीड यू था, फोर्स लगाने के बाद स्पीड वी हो गया जो कि यू से ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मतलब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो देखो मास 1 केजी, एक्सेलरेशन मान लिया है हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इन प्लेस ऑफ मास 1 केजी, इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 न्यूटन आ जाएगा, एंड 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 5 डाइंग। देखो यहां यूनिट क्या है, न्यूटन है, न्यूमेरिक वैल्यू 1, एंड हियर यूनिट इज द डाइंग एंड न्यूमेरिक वैल्यू 10 टू द पावर 5। देखो चेंज है ना। अब देखो एक मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं डेली लाइफ एग्जांपल का। मान लीजिए आप किसी जो है केले बेचने वाले के पास गए, तो अगर आप जब तक ये नहीं बताओगे कि आपको कितना केला चाहिए, 1 पीस चाहिए, 1 डजन चाहिए, कितना चाहिए आपको बताना पड़ेगा, केवल नंबर बताने से नहीं होगा। कैसे, अगर आप 1 डजन बोलोगे तो आपको 12 बनाना देगा, अगर आप 1 ग्रॉस की बात करते हो तो केले वाला आपको 144 बनाना देगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट का लिखना बहुत ही एसेंशियल है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे ये एग्जामिनेशन हो, चाहे आप डेली लाइफ प्रैक्टिस की बात हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक कंसेप्ट का फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों स्टे होम, बी सेफ एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट कोविड 19।